GTA 5। लेकिन आज के दिन हम लोग जिस भी चीज को इस पेंट टूल पे ड्रॉ करेंगे वो रियल लाइफ में आ जाएगा। तो भाई आज का प्लान हमारा ये है कि हम लोग GTA 5 में कुछ कर्स्ड कार्स को ड्रॉ करने वाले हैं। तो ये देखो यार, ये रहा मेरा पेंट टूल और मैं जो है सबसे पहले इस वर्ल्ड की सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट कार को बनाने वाला हूँ। चलो भाई, तो मैंने जो है काफी अच्छी ड्राइंग बना ली है और चलो अब हम लोग जल्दी से इसे सेव करते हैं। अरे भाई साहब, ये देखो यार, मेरी जो ड्राइंग थी वो तो एकदम सही काम की है और हमारे सामने सिटमैन कितनी लंबी कार आ चुकी है। यार ये देखो, ये वाली जो कार है ये यहाँ से स्टार्ट होती है और ये चलते चलते यहाँ पे खत्म होती है। तो चलो हम लोग जल्दी से इस कार के अंदर बैठते हैं। वैसे यार ये जो कार है ये देखने में भी काफी ज्यादा मस्त है, लेकिन यार इसे कंट्रोल करना कितना ज्यादा हार्ड है। ये देखो यार, ये कार मुझे काफी ज्यादा पसंद आई और ये देखो इसके इंटीरियर में भी कितने ज्यादा सीट हैं। यार आज की वीडियो काफी ज्यादा ओपी होने वाली है। चलो भाई यार, मुझे तो इंतजार ही नहीं हो रहा है, हम लोग जल्दी से अपनी इस कार को यहाँ पे पार्क करते हैं और चलो फ्रैंकलिन जल्दी से ड्रॉ करते हैं अपनी दूसरी कर्स्ड कार। चलो भाई, तो जो हमारी दूसरी कार है वो काफी ज्यादा कर्स्ड है और ये वाली जो कार है ये असल में एक इंसान की है। तो चलो मैं जो है एक इंसान का यहाँ पे मुंह बना देता हूँ। चलो भाई, तो ये रहा इस इंसानी कार की आंख और तुम लोग देख सकते हो कि यार ये जो कार है ये देखने में कितनी ज्यादा खूंखार लग रही। तो चलो यार जल्दी से इसे सेव करते हैं। अरे भाई साहब, ये देखो यार, हमारे सामने तो एक इंसानी कार आ चुकी है और यार ये देखने में भी एकदम वैसी ही लग रही जैसा मैंने ड्रॉ किया था। चलो हम लोग जल्दी से इस कार के अंदर बैठते हैं। अरे यार ये वाली कार कितनी ज्यादा कर्स्ड है। चलो हम लोग इसकी पावर को टेस्ट करते हैं। यार इसके अंदर मिसाइल लगा हुआ है। ये देखो यार, ये जो कार है ये सच में बहुत ज्यादा अजीब है, लेकिन यार इसे चलाने में काफी ज्यादा मजा आ रहा। और तुम लोग इसका इंटीरियर देख सकते हो, वैसे यार इसका इंटीरियर भी काफी ज्यादा अजीब है। यार मैं तो इस कार को देख के एकदम कंफ्यूज हो चुका हूँ। चलो भाई फ्रैंकलिन, तो मुझे काफी ज्यादा मजा आया इस इंसानी कार को चलाने में, तो हम लोग इसे यहाँ पे पार्क करते हैं और चलो भाई चलते हैं अपनी अगली कर्स्ड कार को ड्रॉ करने। चलो भाई, तो अब मेरा मन कर रहा है कि हम लोग एक अजीब सी कैक्टस कार को ड्रॉ करते हैं। और यार तुमने अपनी लाइफ में कभी भी कैक्टस कार को नहीं देखा होगा। ओके, तो मेरे ख्याल से ये ड्राइंग काफी ज्यादा सही लग रही है। अब बस हमें इसके अंदर कलर भरना है और हमारा कैक्टस कार तैयार हो चुका है। चलो यार जल्दी से इसे सेव किया जाए। अरे भाई साहब, ये देखो यार, अब मैं तुमसे क्या ही कहूँ। तुम लोग देख सकते हो कि हमारे सामने एक कितना शानदार सा कैक्टस कार आ चुका है। क्या हम लोग इसके ऊपर बैठ भी सकते हैं? और यार फ्रैंकलिन, तू सही तो है ना यार, इसके शरीर पे कितने सारे कांटे हैं। और ये देखो यार, ये जो कैक्टस कार है इसके सामने एक शानदार सा रेडियो, एक शानदार सा जूस भी है। यार मुझे ये कैक्टस कार काफी ज्यादा पसंद आई। यार ये देखो, इसके अंदर मशीन गन भी लगा है। यार अब तो अपना पूरा जलवा होगा लॉस सैंटोस में। चलो हम लोग इस कार को और चलाते हैं। यार अब भाई ये भी एक शानदार सी फीचर है। तुम लोग देख सकते हो कि ये जो कैक्टस कार है ये बहुत मस्त तरीके से हवा में भी उड़ सकता है। भाई यार मैं सच बताऊं तो मुझे ये कैक्टस कार काफी ज्यादा पसंद आया। तो चलो हम लोग इस कैक्टस कार को भी यहाँ पे पार्क करते हैं और यार मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ अपनी अगली कर्स्ड कार को ड्रॉ करने के लिए। चलो भाई, तो जो हमारे
हमारी अगली कार है वो भी काफी ज्यादा कर्स्ड है, और यार ये असल में एक सार्क कार है, तो चलो हम लोग जल्दी से एक सार्क की फोटो को बनाते हैं। चलो भाई, तो मैंने जो है लगभग काफी अच्छी ड्राइंग बनाई है, और मैं जो है इधर के तरफ सार्क का मुंह भी बना देता हूँ, और ये रहा सार्क का खूंखार दांत। चलो भाई, तो जल्दी से हम लोग यहाँ पे सार्क के आंख को भी बना देते हैं, और यार ये सार्क कितना ज्यादा कर्स्ड है, तो चलो यार जल्दी से इसे सेव किया जाए। अरे भाई तुम लोग ये देखो यार, यहाँ पे कितनी खतरनाक सी सार्क कार आ चुकी है, और यार ये देखने में कितनी ज्यादा गजब लग रही, क्या हम लोग इसके ऊपर बैठ भी सकते हैं? चलो ट्राई करते हैं। अरे यार मैं तुमसे क्या बोलूं, ये देखो हम लोग इस सार्क कार को चला भी सकते हैं, और यार इसके अंदर भी कोई पावर है, चलो ट्राई करते हैं। यार हम लोग इस सार्क कार की मदद से वाटर हाइड्रेंट को भी निकाल सकते हैं, ये देखो यार हम लोग जिधर चाहें जितना चाहें उतना वाटर हाइड्रेंट को निकाल सकते हैं, यार ये वाली कार भी काफी औसम है। चलो भाई यार, तो मैं इस सार्क कार को चलाते चलाते इस बीच के साइड पे आ चुका हूँ, और यार ये जो कार है इसका फर्स्ट पर्सन व्यू भी काफी ज्यादा मस्त है, तो मैं देखना चाहता हूँ कि क्या ये सार्क कार पानी के ऊपर भी चल पाती है कि नहीं, क्योंकि यार जो सार्क है वो तो पानी के अंदर ही रहती है ना, तो चलो ट्राई करते हैं। और यार ये जो सार्क कार है ये कितने मस्त तरीके से पानी के ऊपर भी चल पा रही। चलो भाई, तो हम लोग जल्दी से अपनी इस सार्क कार को भी यहाँ पे पार्क करते हैं, और यार इस कार से भी हमने काफी ज्यादा मजा किया, तो चलो यार चलते हैं अपनी अगली कर्स्ड कार को ड्रॉ करने। भाई तुम लोग सबसे खतरनाक थॉमस द ट्रेन को तो जानते ही होगे, तुम लोग लेफ्ट साइड में उसका फोटो भी देख सकते हो, तो अब हम लोग उस खतरनाक से भोताहा थॉमस द ट्रेन की ड्राइंग को बनाने वाले हैं। वैसे भाई यार मैं सच बताऊं तो ये जो थॉमस द ट्रेन की ड्राइंग थी ये अभी तक की सबसे ज्यादा हार्ड ड्राइंग थी, तो चलो हमने इसे लगभग कंप्लीट कर लिया है, अब बस हमें नीचे यहाँ पे व्हील को भी बनाना है। चलो भाई, तो ये जो ड्राइंग है ये लगभग मैंने कंप्लीट कर ली है, अब बस हमें इसके अंदर कलर भरना है, तो चलो ऊपर के तरफ ब्लू करना है, और इधर इधर और इधर हमें रेड करना है, और जो सामने का रीजन है उसे मैं ग्रे कर देता हूँ, तो चलो यार जल्दी से इसे सेव किया जाए। अरे भाई साहब ये देखो यार, यहाँ पे थॉमस द ट्रेन की कार आ चुकी है, और यार ये एकदम देखने में वैसा ही लग रहा है जैसा मैंने इसे ड्रॉ किया था, तो चलो हम लोग जल्दी से इसके अंदर बैठते हैं, और यार हम लोग इस थॉमस द ट्रेन की कार को कंट्रोल भी कर सकते हैं, यार ये वाली कार भी काफी ज्यादा औसम है। और भाई एक सेकंड यार, जब ये थॉमस द ट्रेन की कार है तो इसके अंदर कोई शानदार फीचर भी तो होना चाहिए, तो चलो हम लोग ट्राई करते हैं। और ये क्या भाई, हम लोग इस कार की मदद से जिधर चाहे उधर आग लगा सकते हैं, ये देखो यार यहाँ पे घास का मैदान है, चलो हम लोग इस पूरे जगह पे आग लगा देते हैं, यार ये वाली कार भी काफी ज्यादा मुझे औसम लगी, तो चलो हम लोग जल्दी से इस कार को भी यहाँ पे पार्क करते हैं। और फ्रैंकलिन काफी मजा आया मुझे इस थॉमस द ट्रेन की कार को चलाने में, तो चलो यार जल्दी से अपनी अगली कर्स्ड कार को ड्रॉ करते हैं। चलो भाई, तो मैं जो है इस बार एक बहुत ही अजीब ड्राइंग करने वाला हूँ, क्या हम लोग एक सोफा कार को बना सकते हैं? तो चलो यार ट्राई किया जाए। तो हमें जो है सोफा कार को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक शानदार सा सोफा बनाना होगा, तो ये रहा हमारा एक सोफा, और मैं चाहता हूँ कि जो हमारा सोफा कार है उसके सामने एक शानदार सा टीवी भी रहे। चलो भाई, तो टेबल भी बन चुका है, अब बस हमें यहाँ पे एक शानदार से टीवी को बनाना है, और यार मेरी ड्राइंग काफी ज्यादा सही बनी है, तो चलो यार जल्दी से इस सोफा कार को सेव करते हैं। ओ भाई साहब ये देखो यार, मुझे तो अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा, हमारे सामने कितनी शानदार सी सोफा कार आ चुकी है, चलो हम लोग इसे कंट्रोल करने का ट्राई करते हैं। और भाई
मैं तुमसे क्या कहूँ यार, ये वाली कार कितनी ज़्यादा अजीब है यार। अब तो हम लोग मस्त टीवी देखते देखते रोड पे कार चला सकते हैं। और लॉस सैंटोस वालों, क्या हालचाल है? तुम सब में से सबसे अच्छी कार मेरी है, मैं मस्त टीवी देखते देखते अपनी कार को चला सकता हूँ। तो चलो यार, मुझे ये कार काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, हम लोग इसे यहाँ पर रखते हैं। और यार चलो, आज की लास्ट कर्स्ड कार को ड्रॉ किया जाए। लेकिन भाई यार, मैं तुम्हें पहले ही बता देना चाहता हूँ कि जो हमारी लास्ट कार है उसकी साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो इस वजह से मैं जो है एयरपोर्ट पे आ चुका हूँ और मैं अपनी लास्ट कार को यहीं पे ड्रॉ करने वाला हूँ। तो चलो यार, जल्दी से अपने पेंट टूल को खोला जाए। चलो भाई, तो जो हमारी लास्ट कार है वो असल में एक एरोप्लेन है और इस एरोप्लेन पे पूरा शहर बसा है। तो चलो यार, जल्दी से इस एरोप्लेन को ड्रॉ करते हैं। वैसे भाई यार, मैं सच बताऊं तो ये जो एरोप्लेन है इसकी ड्राइंग काफी ज्यादा हार्ड है, तो चलो हम लोग इसके विंडोज को भी ड्रॉ कर लेते हैं। चलो भाई, तो मैंने इस ड्राइंग को लगभग कंप्लीट कर लिया है और तुम लोग देख सकते हो कि यार ये वाली ड्राइंग भी कितनी ज्यादा कर्स्ड है। तो चलो यार, जल्दी से इसे सेव किया जाए। अरे भाई, ये देखो यार, अब मैं तुमसे क्या ही कहूँ, तुम लोग देख सकते हो कि हमारे सामने एक कितना शानदार सा एरोप्लेन है और इसके ऊपर पूरा शहर बसा है। रुको, मैं अच्छे से दिखाता हूँ। और सही में यार, ये जो एरोप्लेन है इसके ऊपर कितने सारे घर बने हुए हैं। चलो भाई, तो मुझे इस चीज को भी ट्राई करना है कि क्या हम लोग इस एरोप्लेन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलो इसमें बैठा जाए। और ये क्या भाई, हम लोग इस एरोप्लेन को कंट्रोल कर सकते हैं यार। चलो जल्दी से इस शानदार से उड़ने वाले एरोप्लेन को चलाया जाए। और ये देखो यार, इस एरोप्लेन के साथ हमने इस पूरे शहर को भी उड़ा दिया है। और तुम लोग इस एरोप्लेन का इंटीरियर भी देख सकते हो। वैसे यार, इस एरोप्लेन के ऊपर काफी सारी बिल्डिंग्स हैं। चलो भाई, तो आज के दिन हमने काफी ज्यादा मजा किया और काफी खतरनाक से कर्स्ड कार्स को ड्रॉ किया। तो अगर तुम्हें इसका पार्ट 2 चाहिए हो तो इस वीडियो पे 10,000 लाइक्स कर देना। तब तक के लिए पीस।